हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक अमेजिंग सा वीडियो लेके, एक नॉलेज वाला वीडियो लेके। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को, सफेद बालों को किस तरह से काला कर सकते हैं, या फिर आपके बाल एक दो भी काले सफेद होने लगे हैं तो आपको अपने बालों को सफेद होने से कैसे रोकना है। तो आज की होम रेमेडी मेरी इसी पर डिपेंड है। सो कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने आज वो होम रेमेडी यूज करी और फिर आपके बाल दूसरे दिन ही काले हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसको डेली यूज करना है एंड लगातार यूज करते रहने से आपके बालों में जो भी उसका इफेक्ट होगा वो आपको दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे करके। सो आपको करना ये, आपको क्या करना है कि नारियल का तेल, सिर्फ और सिर्फ नारियल का, कोई और तेल नहीं, आपको नारियल के तेल को, लगभग 50 ग्राम नारियल के तेल को एक कांच की बोतल में भरना है। कांच की बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलर वाली नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट बोतल में, कांच की बोतल में आपको अपने नारियल के तेल को भरना है लगभग 50 ग्राम, और 50 ग्राम तेल में आपको एक चम्मच मेहंदी मिक्स करनी है, जो हम हरी मेहंदी डालते हैं, जो हम हरी मेहंदी यूज करते हैं अपने बालों पे, उसे एक चम्मच उसका पाउडर आपको उस ऑयल में मिक्स कर देना है, और एक बादाम उसमें डाल देनी है, 5 आपको मेथी के दाने डाल देना है, मेथी दाने जो होते हैं वो, 2 लौंग डालनी है, और 1 आपको गुड़हल का फूल उसमें डाल देना है। इन चारों पांचों को मिक्स करके आपको क्या करना है, इसे कड़क धूप में रखना है लगभग 15 दिनों के लिए, और कड़क धूप में इसे रखे, शाम को वापस इसे नीचे भी लेकर आए, वहां नहीं रहने दे ऊपर, आपको छत पर रखना है धूप में 15 दिनों तक उस बॉटल को। तो वो तेल आपका नेचुरली पकेगा, आपको गैस पर नहीं पकाना है, उसे धूप में पकाना है, जिस तरह से हम नींबू के अचार को पकाते हैं। तो आपको ये करना होगा और 15 से 20 दिन तक लगभग आपको रखेंगे तो आपका वो ऑयल नेचुरली धूप से पक जाएगा, और ध्यान रहे कि वो तेज धूप में रखा हो, ठीक है, और उसके ऊपर तेज धूप पड़ रही हो। तो वो पकने के बाद में आप 15 से 20 दिन तक उसे पकाइए। इसके बाद में आपको वो बालों में तेल लगाना है, वो वाला तेल आपको अपने बालों में लगाना है रेगुलर, ठीक है। तो वो तेल लगाने से आपके जो सफेद बाल हैं वो भी हो जाएंगे काले। सो थैंक यू सो मच, मेरी आज की होम रेमेडी यही थी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज उसे लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको जो मैं होम रेमेडीज बताती हूँ वो इफेक्ट कर भी रही है या नहीं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है वो करेंगी इफेक्ट, क्योंकि मुझे भी इफेक्ट किया है उसने। इस वजह से मैं आपको वही चीजें बताती हूँ जो चीजें मैंने खुद ने यूज करी है, खुद ने आजमाई है, और मैंने फॉलो किया और मुझे इससे इफेक्ट पड़ा है। तो मैं वही चीजें आपको बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।